आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकली बात करेंगे आज, और दैट टॉपिक इज इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक्स राइट, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग पे हमने कल बात की थी काफी सारी चीजें, तो उसी का थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कि अगर हम एड की बात करते हैं या बैनर की बात करते हैं, पोस्टर की बात करते हैं, तो हम उसको कैसे डिजाइन कर सकते हैं, उन सारे टॉपिक पे हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे बात करेंगे। और जिन सॉफ्टवेयर पे मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा, मैं कोरल ड्रॉ पे बात करना चाहूँगा और फोटोशॉप पे थोड़ा बात करना चाहूँगा। आप सभी लोगों ने इनका नाम तो एटलीस्ट सुना ही होगा। यस सर। तो थोड़ा सा जितना भी समय मिलेगा, कम से कम इतना मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ से आप खुद से प्रैक्टिस करके या फिर नेट पे कुछ और सर्च करके ट्यूटोरियल देख के आगे काम कर पाए। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, होपफुली आपको ये स्क्रीन विजिबल होगी। जी सर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंपली सर्च पे डाला है एक कीवर्ड इंफोग्राफिक्स, और गूगल पे इमेजेस में उसको सर्च करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे कुछ खास तरह के फोटोग्राफ्स दिखाई दे रहे हैं जो आपको भी दिख रहे होंगे, और किसी एक फोटो पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, देन यू कैन सी एन एग्जाम्पल ऑफ इन्फोग्राफिक्स। देर आर टू वर्ड्स विच इट इज मेड अप ऑफ, वन इज इंफॉर्मेशन एंड अदर इज ग्राफिक्स। देर आर टू थिंग्स, इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स। तो एक ऐसे ही मैंने जहां भी कुछ ना कुछ फोटोग्राफ मिला, तो कोई चीज आपको किसी को समझानी है स्टेप वाइज, तो आपको टेक्स्ट भी लिखा हुआ है और साथ में ग्राफिक्स भी आपको दिखाई दे रहा है। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इन्फोग्राफिक्स। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ना चाहते हैं, उस फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो आपको कई सारी जगहों पर जरूरत पड़ेगी कि आप इस तरह के बैनर, पोस्टर, एडवर्टिजमेंट वो सब डिजाइन करें। तो कैसे ये डिजाइन होता है, किन किन सॉफ्टवेयर की मदद ली जाती है, उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। और उसी के कंटिन्यूशन में मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ मैंने जो डिजाइन किया है हम अपने कॉलेज के लिए, उसके प्रमोशन के लिए कुछ कुछ डिजाइन करते रहते हैं, तो उन ग्राफिक्स को मैं पहले आपको शो करना चाहूंगा। एक सॉफ्टवेयर मैंने ओपन किया है, दैट इज कोरल ड्रॉ। और कोरल ड्रॉ का काम है कि आप इसके अंदर जितने भी बैनर्स वगैरह देखते हैं, जितने भी पोस्टर्स, एडवर्टाइजमेंट, ये सारा कुछ देखते हैं, या डेस्कटॉप पब्लिशिंग का काम देखते हैं, तो आमतौर पर ज्यादातर लोग इसी पे काम करते हैं, दैट इज कोरल ड्रॉ। एक फाइल मैंने ओपन की है यहाँ पे, तो ऑलरेडी मेरे कंप्यूटर पर बनी हुई थी, मैं जस्ट आपको शो करना चाह रहा हूँ, फिर कोशिश करेंगे आपको डिजाइन करने की कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं। Did you see the picture? आपको दिखाई दे रहा है? ठीक यस सर। है, कुछ और फोटोग्राफ्स हैं। ये सब हम ही लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं, इंटरनेट के ऊपर चलाने के लिए, न्यूज़पेपर पे देने के लिए। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को हम इंफोग्राफिक्स कह सकते हैं। कुछ सूचना भी हम यहाँ पे दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स। ठीक है, ये सारा का सारा कोरल ड्रॉ में ही बना हुआ है, और इन्हीं को हम आगे यूज कर सकते हैं, इन्हीं से हम कुछ सीखने को ले सकते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पे ओपन किया है, दैट इज कोरल ड्रॉ, और कुछ इसी तरह की चीजें क्या क्या इसमें हम ड्रॉ कर सकते हैं, जो मेन मेन कुछ कुछ टूल्स हैं, उसकी जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो चीज आपको करनी होगी वो है फाइल एंड न्यू। जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर में आप फाइल और न्यू करते हैं,
वो आप यहाँ पे खोल सकते हैं, जैसे किसी एक फाइल का नाम देना होता है, उसके यहाँ पे आपको नाम देना पड़ेगा। इसका नाम मैंने ग्राफिक्स ग्राफिक रख दिया है। और दूसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है वो है इसका साइज। साइज का हिसाब ऐसा है देखो कि आप पिक्सल से लेके किलोमीटर तक का साइज यहाँ पर दे सकते हैं। देखिए कितने सारे इसके स्टैंडर्ड्स हैं, इंचेस, मिलीमीटर, पॉइंट्स, पॉइंट्स, पिक्सल्स, डायोड्स, डायोड, डायडॉट्स, फीट, यार्ड्स, माइल, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। तो ये समझिएगा किलोमीटर का भी बैनर कोरल ड्रॉ के अंदर बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक यहाँ पर प्रीसेट यूज कर रहा हूँ और जिसका साइज आप देखिए A4, जो A4 कागज होता है, मैं वही प्रीसेट यूज कर रहा हूँ। हालांकि बहुत सारे और भी यहाँ पे आपको साइजेस मिल जाएंगे, मैं सिर्फ A4 यूज कर रहा हूँ जिसका मिलीमीटर्स में साइज 210 बाई 297 होता है। नंबर ऑफ पेजेस आई एम फिलहाल यूजिंग 1। कलर कोड देर आर टू, वन इज RGB, अदर इज CMYK, इस पर भी हम अभी बात करेंगे। और बाकी जो भी डिफॉल्ट सेटिंग है उसी के साथ हम इसको ओके कर देते हैं। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? एक रेक्टेंगुलर शेप आपको दिखाई दे रहा है। प्लीज रेस्पॉन्ड। जी सर, हाँ, कुछ लोगों ने क्वेश्चन इसमें डाले हैं कि इस कोरल ड्रॉ फ्रीली अवेलेबल नहीं, ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है। मेरे पास इवेल्युएशन वर्जन है तो मैं उसे यूज कर पा रहा हूँ। इवेल्युएशन वर्जन आप डाउनलोड करके 1 महीने के लिए चला सकते हैं। और बाकी जो दूसरा कंप्यूटर है मेरे पास, उसमें कॉलेज का खरीदा हुआ सॉफ्टवेयर है। ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है तो उसमें तो नहीं है, तो हम कॉलेज के सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं। ये सिर्फ इवेल्युएशन वर्जन है, ठीक है। ऊपर आपको दिख भी रहा होगा 64 बिट इवेल्युएशन वर्जन। तो ये जो रेक्टेंगुलर एरिया है इसको हम आमतौर पर किसी भी सॉफ्टवेयर में कैनवस कहते हैं, ठीक है। इसी के अंदर हमको कुछ ड्रॉ करना होता है। साथ में मैं नोट पैड भी खोल दे रहा हूँ, कुछ मुझे अगर नोट देना है आपको तो मैं ये नोट पैड पर भी कुछ कुछ लिखता रहूंगा, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सपोज मैंने यहाँ पे कोरल ड्रॉ को ओपन किया। एक काम सभी लोग करेंगे, प्लीज अपने हाथ में कागज और पेन रखेंगे, क्योंकि तो बहुत सारी चीजें कोरल ड्रॉ में मैं शॉर्टकट में बताऊंगा, ठीक है। तो वो शॉर्टकट अगर आप लिख लेंगे, बाद में अगर आप काम करने की जरूरत पड़ेगी तो बहुत काम देगा। कितना मेरा हाथ सेट है इसके ऊपर, तो ज्यादातर चीजें मैं शॉर्टकट से ही करूंगा, उसको बोलता भी रहूंगा। अगर कंट्रोल एस कर रहा हूँ, कंट्रोल एफ कर रहा हूँ, जो भी की प्रेस कर रहा हूँ, माउस से जो मैं हरकत कर रहा हूँ वो तो आपको दिखाई देगी, लेकिन जो की मैं प्रेस करूंगा वो आपको दिखाई नहीं देगी, तो वो मैं बोलता रहूंगा आपसे, ठीक है। तो जो पहला शॉर्टकट है दैट इज F4। F4 क्या होता है कि जो कुछ भी ग्राफिक है उसको आपकी स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ और इस सर्कल को मैं F4 करता हूँ तो सर्कल को मेरे स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट कर देता है। दूसरा जो की है दैट इज F9, F9 करता है इसको फुल स्क्रीन पे शो कर देता है, जैसे आप अभी देख पा रहे हैं। F4 F9 हमेशा मेरी उंगलियों पर रहता है, तो मैं F4 और F9 को यूज करता रहूंगा। मैं इसको माउस के स्क्रोल बटन से जूम इन या जूम आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ, एक एक करके हम इस पे चीजों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मुझे इसके ऊपर एक बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है ना। तो बैकग्राउंड के लिए मैं एक टूल यहाँ से लेता हूँ, इस पे लिखा है रेक्टेंगल टूल। क्लिक किया मैंने उसको और पेज के ऊपर इसको ड्रॉ किया है, ठीक है। तो मैंने पूरे पेज को कवर कर दिया एक रेक्टेंगल से, बहुत आसान है। और राइट में जो भी कलर आपको चाहिए उस कलर से आप इसको फिल कर सकते हो। कैन यू सी द रेक्टेंगल और ऑरेंज रेक्टेंगल?
यस सर। ठीक है, अब F4 कर देता हूँ तो ये रेक्टेंगल आपके स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, और जो कुछ भी ड्रॉ करना है मुझे इसी के अंदर ड्रॉ करना है या इसी के ऊपर ड्रॉ करना है। अब होता क्या है कि एक शॉर्टकट आपको बताता हूँ मैं, कि जब मैं इसको अपने हिसाब से ड्रॉ करता हूँ या तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है या ये थोड़ा सा छोटा हो जाता है, एग्जैक्टली उसके बराबर करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने इसको डिलीट कर दिया, सिंपली डिलीट बटन प्रेस किया और उसको डिलीट कर दिया। अब दूसरा सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैं इस रेक्टेंगल पे डबल क्लिक करता हूँ। क्या करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ तो ये रेक्टेंगल अब मेरे पेज के हिसाब से एडजस्ट अपने आप हो जाता है। अब मैं इस पे कलर फिल कर सकता हूँ, ठीक है। और दूसरा चीज, जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ तो उस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ ऐसे ब्लैक ब्लैक आपको स्क्वायर डॉट्स दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये स्क्वायर डॉट्स क्या काम करते हैं, ये स्क्वायर डॉट्स आपको बताते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपने स्क्रीन के ऊपर सेलेक्ट किया है, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया और जिस भी चीज को सेलेक्ट किया है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखाई देती है। अब मैं सिलेक्शन हटाया तो पेज पेज से रिलेटेड कुछ आ गया, और इसको सिलेक्ट किया तो इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पे आ गई है। अब मुझे इसके ऊपर जो बहुत पतला सा ब्लैक बॉर्डर है ये सही नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर एक पेन बनी हुई आती है। पेन का मतलब है आउटलाइन, पेन टूल है, इसका मतलब होता है आउटलाइन। तो यहाँ पर आउटलाइन जो है 0.2 mm की है, मैं इसको नन कर देता हूँ तो ये आउटलाइन गायब हो जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना है, जस्ट राइट आई हैव रिटन उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। जिस मैंने कहा आपसे, जिस भी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड ऑप्शंस ऊपर खुल जाएंगे। आपको फॉन्ट चेंज करना है, यू कैन चेंज द फॉन्ट, और जो कुछ भी आपको जिस भी फॉर्मेट में लिखना है, सपोज थोड़ा सा इसमें ऐसा फॉन्ट देता हूँ जो दूर से बड़ा बड़ा सा दिखाई दे, और जो फॉन्ट मैं आमतौर पर यूज करता हूँ दैट इज फ्यूचुरा। और साइज को मैं अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकता हूँ, राइट। और इसके ऊपर जो भी कलर आपको चाहिए देन यू कैन यूज दैट कलर, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई इमेज आपको चाहिए, सपोज यू वांट टू ऐड अ लोगो, तो आपके पास कहीं ना कहीं लोगो सेव होगा। मेरे पास तो सेव नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ UOU लोगो, शायद मिल जाना चाहिए, ठीक है। बहुत आसान काम है, जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट दिस हियर। अब एक मुसीबत हो गई, क्या मुसीबत हो गई, इसका बैकग्राउंड ब्लैक हो आ गया। हाँ ब्लैक आ गया, अच्छा नहीं लग रहा ना। एक्चुअली ब्लैक बैकग्राउंड तब आता है जब ये इमेज जो है ना वो दूसरे फॉर्मेट में होती है अदर देन जेपीजी। जेपीजी तो जानते होंगे आप, ठीक है। तो अभी इस पर भी बात करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को सेव करता हूँ, सेव इमेज एज, डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर दिया उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी लोगो। अब दूसरा तरीका जो है वो ये है, फाइल इंपोर्ट, फाइल मेन्यू के अंदर इंपोर्ट, और इंपोर्ट के अंदर जहां कहीं मैंने उसको इंपोर्ट किया था उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी लोगो, और इसको मैंने इंपोर्ट कर दिया, तो अब वो समस्या नहीं है। सर एक सवाल था, पूछ सकते हैं? प्लीज 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 सर। कई बार ऐसा होता है कि वाइल सर्चिंग इमेजेस
यू नो पीएनजी फॉर्मेट में नहीं मिलता है, और इसके पीछे एक बैकग्राउंड है, जैसे अभी हमने ब्लैक बैकग्राउंड देखा, कई बार व्हाइट होता है, कई बार रेड होता है, कुछ भी हो सकता है सर, उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं? चलो ये काम कर ले पहले। हाँ हालांकि ये मेरे उसमें था तो ये बात निकल के आ गई, तो पहले ये काम कर लेते हैं। फिलहाल तो मुझे पीएनजी इमेज मिल गई। अब होता क्या है, पहले ये ऐसा क्यों हुआ, मैंने कॉपी किया था तो ब्लैक आया और यहाँ से इम्पोर्ट किया तो ब्लैक नहीं आया, इसको मैं जस्टिफाई करता हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन पे आता हूँ। फिर जब मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया था तो कॉपी करने में क्या करता है कि ये कॉपी हमेशा जेपीजी की तरह से ही करता है, और जेपीजी का जो नुकसान है वो ये है कि ये इसके अंदर हम बैकग्राउंड नहीं दे सकते। बाकी सारे फायदे हैं जेपीजी के, बस नुकसान सिर्फ ये है कि इसके पीछे हम ये बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट नहीं रख सकते। जहां कहीं आपको ये ग्रे और व्हाइट डॉट दिखाई देंगे तो समझ लीजिएगा कि ये बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है। जब मैंने इसको यहां से कॉपी किया था तो ये इस वाले एरिया को भी लेके आता है, तो उसकी कोडिंग ही ऐसी है कि उस एरिया को वो लेके ही आता है। अब ये ब्लैक दिखाई दे रहा है, लेकिन उसी फाइल को मैंने अगर सेव किया था और सेव करने के बाद यहाँ लगाया था तो ये ब्लैक बैकग्राउंड वहां पे नहीं था। ठीक है, तो अब एक टॉपिक आपने छेड़ा है तो उसके लिए मुझे फोटोशॉप पे जाना पड़ेगा, तो मैं फोटोशॉप पे चला जाता हूँ। क्वेश्चन आपका था कि अगर हम कोई इमेज यहाँ पे सर्च करते हैं, ये कपड़े का हम लोग करो अभी कर दो, और वो ट्रांसपेरेंट हमको चाहिए, राइट? शाम को ही कर देना। गरिमा मिश्रा जी आप माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। ठीक है, सपोज मैंने ये फोटो चूज किया है, इसके बजाय कोई कलरफुल फोटो लेता हूँ, सपोज ये फोटो चूज किया है, मैंने इसको कॉपी किया, फोटोशॉप के अंदर गया, न्यू किया, ठीक है, और यहाँ पे सिंपली मैंने पेस्ट कर दिया, देन दिस फोटोग्राफ इज हियर। अब कहीं पर आपको इस फोटो को यूज करना है और बिना इसके बैकग्राउंड के साथ, समझ रहे हैं? तो पहले तो हमें यह काम करना पड़ेगा कि इस फोटोग्राफ में से कितना हिस्सा हमको रिमूव करना, ठीक है? तो मैं क्या करता हूं, जब हम फोटोशॉप के साथ काम करते हैं तो यहां पर जितनी भी चीजें हमारे पास होंगी स्क्रीन के ऊपर वो सारी लेयर्स के फॉर्म में होंगी। तो लेयर वन का मतलब एक फोटोग्राफ, मैं क्या करता हूँ उसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मेरा ओरिजिनल फोटो खराब ना हो और उसकी एक कॉपी बन जाए, और जो ओरिजिनल फोटो है उसको इनविजिबल कर देता हूँ। अब मैं कंट्रोल प्लस दबा के थोड़ा सा इसको जूम इन कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है कि इस फोटो को सपोज ट्रांसपेरेंट करना है, या आपका चेहरा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सपोज आपने कहीं पे फोटो खींचा, आपको A4 के रूप में वो फोटो चाहिए, तो आप उसको करना क्या होता है, हमें सिलेक्शन करना होता है। सिलेक्शन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, तो फिलहाल जो मैं टूल यूज करूंगा इसके लिए जो सुटेबल है वो मैं पॉलीगनल लासो टूल यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर के जितने ऊपर के 1, 2, 3 तीन ऑप्शन है, ये सारे सिलेक्शन के लिए, अभी इन पर भी बात करेंगे, पहले मैं भाई साहब के सवाल का जवाब दे दूं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस फ्लावर को सेलेक्ट कर लेता हूं, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं, जब आप काम करेंगे तो बहुत अच्छे से करेंगे, थोड़ा पेशेंस वाला काम है ये। थोड़ा सा समय लगेगा, मैं क्या कर रहा हूं, इस जहां जहां ये फ्लावर का बॉर्डर है उसके अलोंग
इसको क्लिक करता जा रहा हूं, ठीक है। और थोड़ा सा इसकी मेरे को डंडी भी चाहिए, पूरा तो नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ कितने को मैं यूज कर ले रहा हूँ। तो मैंने फ्लावर बर्ड को भी हल्का सा सेलेक्ट कर लिया है। मैं सिलेक्शन थोड़ा जल्दी कर रहा हूं तो मेरा सिलेक्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। आप जब करेंगे तो क्या करेंगे, इसको और जूम कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से करेंगे ताकि ऑरेंज वाला एरिया ऑरेंज ही रहे, ग्रीन वाला बिल्कुल भी ना आए। जितना कुछ मैं कर रहा हूं समझ पा रहे हैं आप लोग? यस सर। थोड़ा सा मैंने इमेज जो है वो ऐसी ले ली जिसमें टाइम लग गया, लेकिन कोई बात नहीं। It is almost done. Now this is selected. Zoom out किया तो पता नहीं आपके स्क्रीन पे कैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा आपको ये चारों तरफ इसके डॉट्स दिखाई दे रहे हैं? Yes sir. Right sir. ठीक है सर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ मैंने गलतियां की हैं, अभी तो कोई नजर नहीं आ रही है, अभी नजर आएंगी। एक यहाँ पे सेलेक्ट मेन्यू होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है रिफाइन एज, जो एजेस हैं, जो किनारे हैं इसको, उसको थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करते हैं। जब मैं रिफाइन एज करूंगा तो जो मेरी गलतियां हैं अब वो थोड़ा थोड़ा दिख रही हैं, कहीं पर छूटा हुआ है, कहीं पर ग्रीन दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है स्मूथ, इसको थोड़ा सा स्मूथ कर देता हूँ। एक फेदर आता है, इसको थोड़ा सा फेदर दे देता हूँ। अब वो कुछ करेक्ट हो जाएगा, कुछ हद तक करेक्ट हो जाएगा, ज्यादा तो नहीं कर रहा मैं, 1.6 पिक्सल कर दिया मैंने, तो इतना मैं यूज कर रहा हूं अभी, ठीक है। अब क्या करता हूं मैं, इसको सिंपली कॉपी कॉपी और फाइल में जाके न्यू, जो भी डिफॉल्ट आ रहा है दैट इज क्लिपबोर्ड, जितना मैंने कॉपी किया वो प्रीसेट उसका उतना ही है, उतना ही साइज इसका बनेगा, ठीक है। नाउ दिस फ्लावर इज हियर, राइट right? अब क्या होगा कि इस फ्लावर को मैं यहां पर लेके आया, आप अपना मनचाहा बैकग्राउंड इसके अंदर फिल कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है आपको, सिंपली जो आपको कलर पसंद हो इस कलर पैलेट से आप ले सकते हो, राइट right? और एक शॉर्टकट है फिल के लिए, ऑल्ट डिलीट एंड यू कैन सी अ फ्लावर विद अ डिफरेंट कलर। अब वो जहां जहां पर एजेस हैं वो मैं बोल रहा था आपसे कि मैंने गलती की है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा था मैं, लेकिन समझने के लिए आपका काफी है, राइट। अब मैं क्या करता हूं, कंट्रोल टी इस लेयर को सिलेक्ट करता हूं और कंट्रोल टी और इस फ्लावर का साइज थोड़ा सा छोटा करता हूं, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे। सर कंट्रोल टी हमने क्यों किया? ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन इज समथिंग लाइक दिस, एक बॉर्डर बन जाएगा तो इसका साइज कम ज्यादा करना है या इसको रोटेट करना है, दोनों काम आप कर सकते हैं। स्केलिंग, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। स्केलिंग इज दिस, ट्रांसलेशन इज दिस एंड रोटेशन इज दिस। एक बार और प्लीज बताइए। हाँ हाँ हाँ, ऐसा ना किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके, सपोज ये ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया, इस लेयर पे ये सिलेक्शन है, इस लेयर पे फ्लावर बना हुआ है, उसको मैंने क्लिक किया और कंट्रोल टी दबाया, या फिर इसके अंदर एडिट मेन्यू के अंदर ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है, ये है फ्री ट्रांसफॉर्म, इसको क्लिक कर सकते हैं। बात एक ही है, यहां से आप इसको रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है, इसको रोटेट कर सकते हैं, थोड़ा सा इसके बाहर से जाएंगे तो माउस का आइकन चेंज हो जाएगा,
तो ये रोटेशन का काम हो जाएगा। रोटेशन भी आप किसी पॉइंट के अलोंग कर सकते हैं, अभी तो ये सेंटर से रोटेट हो रहा है, यहां पर एक पॉइंट है इसको आप खिसका सकते हैं, तो अब ये इस पॉइंट के अलोंग रोटेशन होगा। गॉट द पॉइंट सर? एक डाउट है मेरा, प्लीज प्लीज। जैसे स्टार्टिंग में तो हम कोरल ड्रॉ पे काम कर रहे थे, अब ये हम फोटोशॉप में शिफ्ट हो गए, तो मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है कि कोई दिक्कत नहीं मैम, मैं वापस कोरल ड्रॉ पे ही आ रहा हूँ। अच्छा। ये क्वेश्चन आया था कि हम किसी इमेज को कैसे ट्रांसपेरेंट करते हैं, मैं बस उसका जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा फिर इसी से रिलेटेड ये है, जैसे आपने इसमें तो ये वाला तरीका बताया कि अगर पीछे का बैकग्राउंड रिमूव करना है उसके लिए, और कोरल ड्रॉ में भी आपने इंपोर्ट वाला ऑप्शन बताया था जिससे कि हम पीछे का बैकग्राउंड हटा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, पीछे का बैकग्राउंड नहीं हटा था मैम उसके, अब थोड़ा सा बात को मैं क्लियर कर देता हूँ। उस इमेज के अंदर, जिस इमेज को हमने चूज किया था, मैंने उसको डेस्कटॉप पे सेव किया है, उसके अंदर कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। ओके, राइट, इट इज अ पीएनजी इमेज। पीएनजी इमेज क्या होती है इस पर भी मैं बात करता हूँ। इट इज अ पीएनजी इमेज, और पीएनजी इमेज के अंदर एक फायदा ये होता है कि हम किसी इमेज को ट्रांसपेरेंट सेव कर सकते हैं, जैसे लोगो होता है ना, हॉलो होता है, बीच से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उस ऐसे दिखना चाहिए, ऐसे ये जो लोगो है ये साइड से ट्रांसपेरेंट है। तो मैंने किया नहीं है कुछ उसको, तो मैंने ना कॉपी करके पेस्ट किया था, तो वो जेपीजी की तरह से आ गया था, वो तो शॉर्टकट था ना, सही तरीका ये फाइल को सेव करूं अपने कंप्यूटर पे, और फिर इंपोर्ट ऑप्शन से इंपोर्ट करूं, दैट इज द राइट वे। ओके ओके, जस्ट वन फर्दर क्वेश्चन। यस प्लीज। लेट्स सपोज, जस्ट यू हैव शोन अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस फ्लावर, राइट? लेट्स सपोज कि अगर इसकी जगह पे यूओयू का जैसे वो लोगो होता, व्हिच इज अ लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स, वेरी गुड, क्योंकि उसके अंदर इंटरनल लेटर्स भी देख रहा हूँ, बिल्कुल, उसके अंदर मैं साइड में ग्रूव्स भी देख रहा हूँ, बिल्कुल, जो साइड में नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, इज दिस द ओनली प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द बैकग्राउंड, और देयर इज अ इजियर प्रोसेस आल्सो व्हिच कैन? हाँ, एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, द टीडियस प्रोसेस, जो सबसे मुश्किल बात है इस पूरी प्रक्रिया में, वो ये है द सिलेक्शन की। मैंने इस ओरिजिनल फ्लावर में से इतने एरिया को ही लेना था, तो ये सेलेक्ट करना मुश्किल काम था। बैकग्राउंड इमेज को रिमूव करना इज अ सिंगल क्लिक, गेटिंग माय पॉइंट? अब ये तो फोटो पूरा था, इसमें से मुझे ये फ्लावर को रिमूव करना था, जैसा आपको ये फ्लावर के पेटल्स दिख रहे हैं ऐसा ही उसके जो लोगों के ऊपर कुछ चीज है। देर आर मल्टीपल ऑप्शन जब आप करने जाएंगे, तो अभी तो मैंने एक तरीका जो सिंपल था जो आप अप्लाई कर सकते हैं वो यूज किया, बट आई कैन डू इज, अब मैं इसको डीसेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जो सेलेक्ट किया था उसको मैंने डीसेलेक्ट किया, वापस एक्चुअल इमेज पे आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मुझे लगता है कि एक और ऑप्शन है, दैट इज कॉल्ड मैजिक वॉन्ड, द फोर्थ वन, दैट इज मैजिक वॉन्ड। अब मैं मैजिक वॉन्ड को पकड़ता हूँ, तो ये थोड़ा सा समझदार है, समझदार इन द सेंस कि मैं किसी कलर को क्लिक करता हूँ तो वो उस कलर को सेलेक्ट कर लेता है। अब प्रॉब्लम यह है फ्लावर के साथ कि उसकी पेटल भी जो है वो यूनिफॉर्म कलर की नहीं है, इट हैज डिफरेंट कलर इन बिटवीन, इट इज डार्कर एंड द आउटर साइड इट इज लाइटर, तो ये भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो क्या करते हैं हम, इसको भी मैं डीसेलेक्ट करता हूं, और ये टॉलरेंस आता है कि कितना मिलता जुलता, तो इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इससे 50, ठीक है, और 50 टॉलरेंस के साथ मैं इसको पकड़ता हूं, तो अब आप देखो कि सिलेक्शन का रेट बढ़ गया है, है ना, अभी भी यहां का एरिया नहीं आ रहा है, तो फिर डिसेलेक्ट करता हूं मैं 50 से इसको, और आगे लेके जाता हूं 70 लेके जाता हूं, देन आई एम डूइंग सेम थिंग अगेन, आप देखेंगे थोड़ा सा सिलेक्शन का रेट और बढ़ गया है, लेकिन उतना परफेक्टली सिलेक्ट नहीं हो रहा। अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊंगा आपको, यू कैन सी This area is more dark, तो इसलिए वो उसको नहीं पकड़ पा रहा है, तो हम इसको भी यूज नहीं करते, जो हमारा मैनुअल तरीका है उसी को हम लेके जाते हैं। अब बात ये हुई थी कि हम ट्रांसपेरेंट किसी इमेज को कैसे बनाएंगे, ठीक है सर। तो, एक क्वेश्चन और है इससे रिलेटेड। हाँ। जैसे ये तो क्या है कि ऑलरेडी हमें इमेज कहीं पे मिली और हमने वो इमेज यहाँ पे ले ली, बिल्कुल,
ठीक है, अब सपोज अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है, हमें किसी दूसरे का प्रोडक्ट सिमिलर लेना है और बस अपने प्रोडक्ट से रिप्लेस कर देना है, ठीक है, तो जो इंटरनेट में अवेलेबल इमेजेस हैं, जैसे सपोज ये फ्लावर है, तो इसका पूरा कलर और सब कुछ हम चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल, करके दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, ओके, ठीक है। पहला तो तरीका है, किसी कहेंगे तो हम कलर भर देंगे, कलर भर देंगे तो फिर इसकी जो थीम है ना वो गायब हो जाएगी, फ्लावर जैसा आपको कहीं से नहीं दिखेगा। उससे भी मैं आता हूँ, पहले मैं उनके जो शुरू में पूछा था उनके क्वेश्चन का अभी तक आंसर नहीं कर पाया, वहां तक पहुंचता हूँ कि हाउ टू क्रिएट एंड क्रिएट अ ट्रांसपेरेंट इमेज। तो मैं क्या करता हूँ, इस बैकग्राउंड को ना इनविजिबल कर देता हूँ, यहाँ पे जो आंख बनी हुई है इनविजिबल कर, नाउ इट इज ट्रांसपेरेंट, राइट। फाइल डाउन पर एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, सेव फॉर वेब एंड डिवाइसेस, कैन यू सी दिस? Yes, sir. हाँ, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ना सबसे पहले जो चीज हमें सेलेक्ट करनी होगी दैट इज पीएनजी। तो मैं इसमें पीएनजी 24 बिट को यूज कर रहा हूँ। अब आप देखोगे ट्रांसपेरेंट हो गया, और यहाँ पर मेरे को ना मल्टीपल ऑप्शन भी ये देता है। मैं फोर अप करता हूँ यहाँ पे, तो ये कहता है कि आपको किस क्वालिटी की इमेज चाहिए, इट इज ओरिजिनल जिसका साइज 2.19 MB होगा, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। दूसरा जो साइज है दैट इज 357 KB और उसकी क्वालिटी थोड़ी सी खराब होगी। तो आप अपने हिसाब से वो सिलेक्शन कर सकते हैं। नीचे जो दो ऑप्शन दे रहा है वो जेपीजी के दे रहा है, इससे ज्यादा कंप्रेशन पीएनजी के अंदर नहीं होगा, लेकिन जेपीजी सेव करेंगे तो फिर वो 28K और 19K तक की भी इमेज बन जाएगी। तो मैं ओरिजिनल को ही सिलेक्ट कर रहा हूँ और सेव कर रहा हूं, ठीक है। और डेस्कटॉप पे ही मैंने इसको फ्लावर के नाम से सेव किया, राइट। अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू दिस पेज जिस पे हम काम कर रहे थे, और वापस द सेम प्रोसेस, इंपोर्ट एंड फ्लावर। तो आप देखोगे ये फ्लावर काफी बड़े साइज का है, तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे ग्राफिक की तरह से यूज कर रहा हूँ, राइट। अब आप देखेंगे सारा कुछ ऑरेंज है, अब ये ऑरेंज के साथ ऑरेंज हो गया ना, तो इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, कुछ और डाल देता हूँ। नाउ यू कैन सी द इमेज विद ट्रांसपेरेंसी, राइट। तो जिन्होंने मुझसे पूछा था ये क्वेश्चन, आपको सवाल का जवाब मिला आपको? हाँ जी सर, थैंक्स अ लॉट। एक और छोटा सा वो था, ये आपने जैसे पूरा एग्जांपल आपने फोटोशॉप में दिखाया, अगर मैं ये जो ऊपर जो UOU का जो मैंने आपको जो एग्जांपल दे रहा था, इसके अंदर इतनी बारीकियों में जो बीच पहले जो लेटर लिखे हुए हैं, ये कैसे काम करेंगे? एक्चुअली ये जो जब डिजाइन हुआ ना उसके लिए तो काम तो कर सकते हैं, लेकिन जरा थोड़ा मुश्किल काम है। नहीं, मैं अभी उस डिटेल में नहीं घुस रहा, बिकॉज़ इट विल बी वेरी टाइम टेकिंग। मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब जैसे कि कैन वी ज़ूम इट टू द लेवल ऑफ ईच एंड एवरी, मतलब डू वी हैव टू ज़ूम इट टू द लेवल ऑफ ईच एंड एवरी लेटर, उसके बाद? हाँ, उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। देखिए, जितना भी पोर्शन मेरी स्क्रीन का आपको दिखाई दे रहा है, दोनों जगह पर दो तरह का टेक्स्ट है। एक तो लोगों के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, और एक जो मैंने अभी नीचे टेक्स्ट लिखा है। अब अगर मैं अपने पेज को किसी भी एक्सटेंट तक जूम करूंगा, तो देखिए यहां पर पिक्सेलेशन हो रहा है। पिक्सेलेशन इज समथिंग जो आप सामान्य भाषा में बोल जाते हैं कि इमेज फट जाती है, राइट। लेकिन जब मैं इसको नीचे ला रहा हूं, तो जहां मैंने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी लिखा है, इसके ऊपर कोई पिक्सेलेशन का कोई इफेक्ट नहीं है, चाहे मैं इसको जितना भी जूम कर लूं, राइट सर। दिस इज द डिफरेंस विच इज कॉल्ड दिस इमेज is a raster image, this is made up of pixels, और each जितने उसके अंदर number of pixels होंगे उतने ही रहेंगे, मैं उसको increase नहीं कर सकता, right? लेकिन ये वाला जो कुछ मैंने लिखा है, this is in the form of raster, ये कोई image नहीं है, ये एक object है Coral Draw का, और जब मैं इसको zoom कर रहा हूँ, तो वो हर बार नया draw हो रहा है, okay? तो ये डिफरेंस है। अब मेरे पास अगर यही इमेज है, इसी पे मुझे काम करना है, तो फिर मेरा हाथ बंधे हुए,
I cannot improve the quality of this image. Can we make it, can we make a duplicate of it with a higher resolution? No, no, this is fundamentally no, not because possible. Jitni information hai, agar main usko duplicate karunga, to wo duplicate hogi, wo original image nahi aayegi. Uski definition nahi badhegi. Okay, matlab mujhe naya banana padega. Haan, naya banana padega. Agar aapke paas iska raster wala portion hai, to. Okay. Theek hai? Ab yahi image hai, jo maine yahan pe banai hai. Agar main isko एक्सपोर्ट कर देता हूं और इसको जेपीजी की तरह से ग्राफिक जो है डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर देता हूं, नाउ इट हैज बिकम रेस्टर, राइट? वेक्टर का रेस्टर बनाना बहुत आसान है, लेकिन रेस्टर से कभी भी वेक्टर हम नहीं बना सकते. तो अगर इस इमेज को मैंने रेस्टर की तरह से सेव कर दिया, नाउ दिस इज ग्राफिक डॉट जेपीजी. अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो यहाँ पे आपको एक फोटो दिखाई दे रही है. ऐसे तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे ही मैं इसको जूम करता हूं, देन यू विल सी द पिक्सेलेशन इफेक्ट, राइट? क्योंकि इस इमेज का रेजोल्यूशन बहुत अच्छा है, तो उतने अभी आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वहां पे पिक्सेलेशन का इफेक्ट आपको दिखेगा, राइट? दिखने लग गया है. समझ गए बात? अब अगर किसी को मैं ये इमेज देता हूं तो इस पे एडिटिंग करना मुश्किल काम है, लेकिन अगर मैं उसको कोरल ड्रॉ की ओरिजिनल फाइल देता हूं जो मेरे कंप्यूटर पे यहां पे खुली हुई है, नाउ एडिटिंग करना यहां पे आसान काम है, राइट? अब कुछ टूल्स और हैं कोरल ड्रॉ के अंदर जिससे आप इसको और ब्यूटीफाई कर सकते हैं. लाइक टेक्स्ट तो आपने लिख ही दिया है, अगर मुझे ये टेक्स्ट ऐसे नहीं चाहिए, दिस इज कॉल्ड आर्टिस्टिक टेस्ट. और इसी टेक्स्ट को लिखने का एक और तरीका है जिसको हम कहते हैं पैराग्राफ टेक्स्ट, राइट? अब आपको कोई इंफॉर्मेशन देनी है जो वो प्रॉपरली अलाइंड हो, पैराग्राफ के फॉर्म में दिखाई दे, देन वी यूज पैराग्राफ टेक्स्ट. और कहीं से कोई टेक्स्ट अगर मैं कॉपी कर पाऊं और आपको दिखा पाऊं उसको, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है जहां पर मुझे बड़ा सा टेक्स्ट मिल जाए. ठीक है, मैं एक यहाँ से टेक्स्ट ले रहा हूँ, फ्लावर के बारे में कुछ लिखा हुआ है, एंड जस्ट कॉपीइंग इट एंड पेस्टिंग टू दिस प्लेस, डबल क्लिक किया और आई हैव टेकन सम टेक्स्ट आउट हियर दैट डिफाइंस दिस फ्लावर. ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जितने एरिया पे मैंने इसको ड्रॉ किया था, मेरा टेक्स्ट उसी एरिया में रहेगा. अगर मैं उस एरिया को छोटा कर दूंगा तो यहां पर ये जो बॉर्डर है उसका रेड हो जा रहा है और नीचे एक एरो आ जा रहा है जो ये बताता है कि इसके अंदर और भी टेक्स्ट है. ठीक है, तो इसको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूं, इसको मैं जस्टिफाई कर सकता हूं. और अगर मुझे कुछ ऐसा डिजाइन बनाना है कि कुछ एरिया जो है वो फ्लावर ले ले यहाँ पे, उसका फोटो बड़ा सा आ जाए और बाकी एरिया में बचा हुआ टेक्स्ट आए जैसा कि अखबार में आप देखते हैं, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, एक और टेक्स्ट ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से ए को क्लिक करता हूँ और एक और टेक्स्ट यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ और ऊपर वाले को सेलेक्ट करके यहाँ क्लिक करता हूँ. और यहां से क्लिक करके आप देखोगे कुछ मेरा माउस का आइकन कुछ अलग तरह का बन गया है और इसको यहां रख देता हूं. नाउ दिस शोज कि यहां से टेक्स्ट खत्म हो रहा है और यहां पे पहुंच रहा है, जैसे आप न्यूज़पेपर में या मैगजीन में देखते हैं. और इसको मैं छोटा करता हूं तो देखो टेक्स्ट नीचे बढ़ जाएगा. कुछ इस तरह से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं. इतनी बात आई समझ में? Beautiful, sir. Beautiful. Thank you, sir. तो इससे क्या हो रहा है कि आप अपने टेक्स्ट को अपने इमेज के साथ एडजस्ट कर सकते हैं. सर क्या इस इमेज को हम बैकग्राउंड में ले जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले जा सकते हैं. उस पे भी जाते हैं हम. इमेज को अगर मैं बैकग्राउंड पे ले जाना चाहूं तो पहला तरीका है जो सिंपल, आप इमेज को एनलार्ज करें, वो बैकग्राउंड में ही आपको दिखाई देगी, राइट? अब कई बार क्या होता है कि इमेज जो है वो फोरग्राउंड में आ जाती है, ऊपर आ जाती है,
उसके लिए क्या है, आप राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ऑर्डर, राइट? तो फ्रंट ऑफ द पेज, बैक ऑफ द पेज, फ्रंट वन लेयर, फ्रंट फॉरवर्ड वन, बैक वन, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसका जो शॉर्टकट है शिफ्ट के साथ पेज अप डाउन और कंट्रोल के साथ पेज अप डाउन है। जब हम करके देख लेते हैं, अगर मैं इस इमेज को शिफ्ट के साथ पेज अप करता हूँ, देन यू सी द इमेज इज ऑन द टॉप, और शिफ्ट के साथ पेज डाउन करता हूँ, द इमेज इज ऑन द बैक। तो जो ब्लू वाला बॉर्डर है, जो ब्लू वाला हमारा बॉक्स है ना, वो उसके भी पीछे चली गई है। हमें कैसे रखना है कि ब्लू के तो आगे हो लेकिन टेक्स्ट के पीछे हो, तो फिर मैं कंट्रोल के साथ पेज अप करता हूं। नाउ यू कैन सी द इमेज बिटवीन द बैकग्राउंड, ब्लू वाला बैकग्राउंड एंड द टेक्स्ट। समझ गए? दिस इज द ऑर्डर जिससे मैं किसी ऑब्जेक्ट को आगे या पीछे भेज सकता हूं। मैडम का एक क्वेश्चन था, मैम आप रिपीट कर सकती हैं? हमने क्वेश्चन कुछ कह रही थी आपकी, कलर हम कैसे किसी ऑब्जेक्ट का चेंज कर सकते हैं। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे जो फ्लावर है, ये हमने डायरेक्टली इंटरनेट से लिया, तो इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं वापस फोटोशॉप पे जाता हूँ, जहाँ पे फ्लावर रखा हुआ है। अगेन क्या करना होगा आपको, सिलेक्शन, राइट? जो सिलेक्शन हमने यहाँ पे किया था, तो फिलहाल तो सिलेक्टेड एक फ्लावर हमारे पास अलग से रखा हुआ है। कोशिश करते हैं हम इस फ्लावर का कलर चेंज करने की। तो फ्लावर का तो कलर चेंज होना चाहिए, लेकिन जो इसकी डंडी है उसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। स्टेम का कलर तो ग्रीन ही रहना चाहिए। तो पहला तो तरीका है कि हम पूरे फ्लावर का कलर चेंज करने की कोशिश करें। अगर मैं इसके अंदर कोई कलर फिल करता हूं, तो जो इसका जो टेक्सचर है ना, ये गायब हो जाएगा। फ्लावर जैसा आपको दिखेगा ही नहीं, वो तो धब्बा बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं इमेज मेन्यू के अंदर जाता हूं, और इमेज की एक प्रॉपर्टी होती है ह्यू सैचुरेशन। दिस इज द थर्ड पॉइंट, दिस इज द सेकंड पॉइंट इन द सेकंड ब्लॉक, ह्यू सैचुरेशन। और ह्यू सैचुरेशन हमारे कलर को एडजस्ट करने के लिए बड़ा अच्छा काम करता है, आपको बड़ा मजा आएगा देख के। आई कैन चेंज द कलर ऑफ दिस फ्लावर, ठीक है? Can you see the changing the color? और कहीं पर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा कलर है, तो सैचुरेशन को थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है? तो ह्यू और सैचुरेशन से एडजस्ट करके हम इस फ्लावर के कलर को दूसरे कलर पे लेके जा सकते हैं। ये येलो या ऑरेंज था, अभी ये थोड़ा सा रेड की तरफ अब आ गया है। कुछ हद तक आपकी समस्या का समाधान हुआ? ठीक है। तो कलर चेंज अगर आपको करना होता, फिर उसके अंदर भी, ह्यू सैचुरेशन के अंदर भी अलग अलग ऑप्शंस हैं, उतना डिटेल में फिलहाल जाने का समय रहेगा नहीं। इसको भी आप देख सकते हो कि इसके अंदर भी आपका मास्टर है, मास्टर के अंदर भी रेड, ग्रीन, येलो, सियान, ब्लू, मेजेंटा है। जिस कलर को आपको चेंज करना है, वो कलर भी कम ज्यादा आप कर सकते हैं सैचुरेशन से, ठीक है? तो रेड का भी कलर आप हटा के दूसरे कलर के हिसाब से लेके जा सकते हैं, या फिर येलो पे कुछ काम करना है तो आपको येलो को भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये है, ये जो काम हम कर रहे हैं, ये तो हम फोटोशॉप में कर रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल, और जो हम वो बनाया था हमने, जिसमें कि वो ब्लू बैकग्राउंड में ये फ्लावर था, वो हमने कोरल ड्रॉ में किया था, बिल्कुल। तो जरूरी है कि मतलब ये कलर अगर हमें वहां कोरल ड्रॉ में चेंज करना हो तो क्या होता ना मैम, मैंने आपको दो तरह की ग्राफिक्स बताई थी। एक होती है रेस्टर ग्राफिक, जिसमें हम इमेज को सेव करते हैं पिक्सल्स के हिसाब से। मैंने आपका फोटो खींचा, दैट इज टोटली रेस्टर। क्यों? क्योंकि मैं आपके फेस को या आपके बैकग्राउंड को या आजू बाजू जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको पिक्सली डिफाइन नहीं कर सकता। कि वो बहुत मुश्किल काम है, करते हैं लोग, एनिमेशन बनाते हैं, वो बहुत नेक्स्ट लेवल का काम है। तो मैं क्या करता हूँ, बेस्ट होता है कि मैं आपको फोटो खींच लेता हूँ। मैं आपके फोटो को ड्रॉ नहीं कर सकता, कर सकता हूँ लेकिन वो एक्चुअल नहीं होगा। गेटिंग द पॉइंट?
तो ये डिफरेंस है रेस्टर और वेक्टर में। तो इसीलिए हमने जब भी रेस्टर का काम करना होता है, पिक्सल्स के ऊपर काम करना होता है, तो हम फोटोशॉप को यूज करते हैं। और जब हमें वेक्टर पे काम करना होता है, मैंने आपसे शुरुआत में बताया था कि हम किलोमीटर के साइज का भी बैनर बना सकते हैं। ओके तो अगर अगर हम पिक्सल्स में उसको सेव करने लग जाएंगे तो शायद जितनी मेरी हार्ड डिस्क है वो पूरी भर जाए उस फोटो को सेव करने के लिए। Okay. फोटो क्लिक करते हैं तो उसका साइज बहुत ज्यादा होता है, जितनी डेफिनेशन होती है, जितना मेगापिक्सल होता है उसी के मल्टीपल में उसका साइज बढ़ता जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम बैनर वगैरह को जितनी कोशिश करते हैं, जितनी चीजों को रेस्टर में रखा जाए वो आसान होता है। मैं अभी समझा रहा था आपको, यहाँ पे दो तरह का ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये जो ऊपर लोगो लगा है ये रेस्टर के रूप में है, और जो नीचे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी लिखा है ये वेक्टर के रूप में है। इसको मैं कभी भी करेक्ट कर सकता हूँ, यूनिवर्सिटी की जगह पे मैं कुछ और कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इस लोगो के अंदर जो कुछ लिखा है इसको करेक्ट करने के लिए मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। करना क्या पड़ेगा, मुझे इरेजर से, जैसे ड्राइंग करते हैं ना, इरेजर से इसको मिटाना पड़ेगा, फिर ऐसा ही लिखना पड़ेगा, और वो फिर इसके साथ मैच करता हुआ होना चाहिए, वो ऐसा ही कर्व में होना चाहिए, इस तरह की चीज है। ओके ठीक है। और इस अब मैं थोड़ी सी कोशिश आपको एक आध चीजें ड्रॉ करने की बताता हूँ, हालांकि ज्यादा तो मैं नहीं बता पाऊंगा। करते हम इसी तरह का एक लोगो, एग्जैक्टली ऐसा तो शायद नहीं बना पाएंगे इतनी जल्दी, लेकिन इसी तरह का लोगो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। जी सर, एक छोटा सा वो है सर, रेस्टर का मतलब है बेसिकली विच इज एडिटेबल, और वेक्टर का मतलब है जो कि कन्वर्टेड हो चुका है जेपीजी में, करेक्ट? आप उल्टा बोल रहे सर, रेस्टर इज दैट इज मेड अप ऑफ पिक्सल्स, रेस्टर विच इज मेड अप ऑफ पिक्सल्स एंड दैट इज नॉट एडिटेबल, दैट इज एडिटेबल बट यू नीड एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर दैट, कि आप उसको मिटा के दोबारा ड्रॉ ही कर सकते हैं। वेक्टर हाँ. है तो आप उसको किसी भी कंप्यूटर टूल से छोटा बड़ा कुछ कर सकते हैं। या, right? या, या, अगर मुझे इसका स्पेलिंग चेंज करना था या मुझे कुछ यहाँ पे लिखना था, हाँ मतलब मेरा मतलब एडिटेबल का मतलब वही है कि हाँ. जैसे ऊपर का जैसे लोगो है उसके हाँ, अंदर हाँ, कुछ भी एडिट नहीं कर सकता, हाँ हाँ हाँ, तो रेस्टर जो है उसके अंदर एडिटिंग के लिए मुझे अलग टूल्स की जरूरत है, बेसिकली आई कैन नॉट डू इट इन दिस ओरिजिनल फॉर्म, करेक्ट? फॉर एग्जांपल I can change the font style of this. Right? I have changed, but I cannot change the font style of this because it is made up of pixel. It is not a text which is made up of alphabets and special characters. It is only the pixels which are arranged so beautifully कि आपको वो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी जैसा लिखा हुआ दिख रहा है। अगर मैं इसको zoom कर रहा हूँ, then you can see the pixels. And pixel has a particular square size and color. अब कोई white है, वो हल्का नीला है, थोड़ा ज्यादा नीला है, पूरा नीला है, इसके अलावा कोई और कलर उसके अंदर नहीं है। तो मुझे क्या करना है, इसको एडिट करने के लिए इन्हीं सारे पिक्सल्स का कलर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी उसी सीक्वेंस में अगर इसको जूम कर रहा हूं, देन देयर आर पिक्सल्स, बिकॉज जितने बार मैं इसको जूम कर रहा हूँ तो वो कुछ पिक्सल्स नहीं है, वो सिर्फ जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल पे लिखते हैं वो वैसा टेक्स्ट है। जब आप इसको पब्लिश करेंगे, चाहे आप इसका पीडीएफ बनाएंगे, चाहे आप इसका जेपीजी बनाएंगे, आप पीएनजी बनाएंगे, या दुनिया जहान के और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं किसी में ले जाएंगे, तब वो डिसाइड होगा कि कौन सा चीज वेक्टर रहेगी, कौन सा चीज रेस्टर रहेगी। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एक डायलॉग में बोलूंगा याद रखिएगा, किसी भी वेक्टर को हम रेस्टर कभी भी बना सकते हैं विद अ सिंगल क्लिक, लेकिन वाइस वर्सा वो पॉसिबल नहीं। बात आ गई आपको समझ में? फॉर एग्जाम्पल इस पर मैंने क्लिक किया और यहां पर लिख के आता है एक कन्वर्ट टू कर्व्स, क्या लिखा है, कन्वर्ट टू कर्व्स। तो जैसे ही मैं इसे कन्वर्ट टू कर्व्स कहता हूं तो अब ये टेक्स्ट नहीं बचा, इट हैज बिकम अ ड्रॉइंग। और ड्रॉइंग किस तरह की है, वेक्टर ड्रॉइंग है, रास्टर नहीं बना दिए, वेक्टर ड्रॉइंग है। इसको मैं जूम करूंगा तो ये फटेगा नहीं, इट इज अ वेक्टर ड्रॉइंग। लेकिन इसको मैं अब एडिट नहीं कर सकता, This is not editable, और उत्तराखंड की स्पेलिंग गलत है तो मैं उसको करेक्ट नहीं कर सकता।
बिकॉज आई हैव मेड इट अ वेक्टर ड्रॉइंग. अब ये ड्रॉइंग की तरह से जैसे सर्कल है, रेक्टेंगल है, तो उसको छोटा बड़ा तो किया जा सकता है, लेकिन उसकी स्पेलिंग या उसकी टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टीज यहाँ से खत्म हो गई हैं. ठीक है सर, सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था. अरे आई एम सो सॉरी. मतलब मैं रिपीट कर देता हूँ अपनी बात को. सॉरी, किसी भी वेक्टर को हम रेस्टर कभी भी बना सकते हैं, लेकिन किसी भी रेस्टर को हम वेक्टर नहीं बना सकते. दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ. फिर चाहे वो कोई मूवी हो, फिर चाहे वो कोई साउंड हो, फिर चाहे वो कोई इमेज हो, जब तक ये कोरल ड्रॉ में है तब तक मैं इस पर कुछ भी एडिटिंग कर सकता हूँ. जैसे ही मैंने इसको जेपीजी में कन्वर्ट कर दिया तो ये आपका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा. फिर मैं इसकी स्पेलिंग और इसका करेक्शन और इसका कॉमा फुल स्टॉप चेंज नहीं कर सकता. तो ये वेक्टर बन जाएगा, ये वेक्टर, ये रेस्टर बन जाएगा. जब तक ये रेस्टर बन जाएगा, सॉरी रेस्टर बन जाएगा. रेस्टर इज मेड अप ऑफ पिक्सेल्स और जेपीजी इज समथिंग व्हिच इज मेड अप ऑफ पिक्सेल्स. ओके सर, एक और चीज था, जैसे आपने यहाँ पे टेक्स्ट जब डाला तो आपने यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से ए जो टेक्स्टुअल जो ब्लॉक है तो आपने वहां पे लिया था सर. जब आपने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी लिखा था तब आपने क्या किया था? मैंने देखिए ना, दो चीजें होती है, टूल तो यही है. अगर सिंपली इसको क्लिक करके यहाँ लिखूंगा, ओके ओके, तो दिस इज कॉल्ड आर्टिस्टिक टेक्स्ट, राइट. और जब मैं इसी को क्लिक करके ड्रॉ करता हूँ, इसे बॉक्स बनाता हूँ और फिर मैं हेलो लिखता हूँ, नाउ दिस इज कॉल्ड पैराग्राफ टेक्स्ट. गॉट इट सर. थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ, देन यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन आर्टिस्टिक टेक्स्ट एंड पैराग्राफ टेक्स्ट. अगर सिंपली एक हेडिंग लिखना है देन आर्टिस्टिक टेक्स्ट इज ओके. इसको मैं यहां से कॉर्नर से छोटा बड़ा कर सकता हूँ. जब मैं इसको कॉर्नर से छोटा बड़ा करता हूँ ना, तो ब्लॉक तो बढ़ता है लेकिन टेक्स्ट नहीं बढ़ता है. समझ रहे हो? जब मैं इसको कॉर्नर से छोटा बड़ा करता हूँ तो टेक्स्ट बढ़ता है. तो ब्लॉक बढ़ता है तो इसका मतलब उस ब्लॉक के अंदर मुझे टेक्स्ट लिखना है. अगर मैं टेक्स्ट आर्टिस्टिक टेक्स्ट लेता हूँ तो मैं उस तरह से यूज करता हूँ. इनको आपस में आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, जस्ट राइट क्लिक एंड कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट, राइट. नाउ इट हैज बिकम पैराग्राफ टेक्स्ट. और इसको आप राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू आर्टिस्टिक टेक्स्ट, नाउ इट हैज बिकम आर्टिस्टिक टेक्स्ट. तो इस तरह से आप किसी चीज को कंपोज कर सकते हैं, राइट. अब हम इस सबको रिमूव करते हैं और यहां पे कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. और कभी कभी ऐसे जरूरत पड़ती है आपको कि आपको एक सर्टिफिकेट बनाना है जिस पे आपको उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी लिखना है. अगर सीधा लिखना है देन इट इज ओके. और कई बार आपको ऐसे सर्कल में लिखना है जैसे ये लिखा हुआ है. समझ रहे बात? Then how to do this? तो हमें क्या करना होता है, हमें जिस भी शेप में कुछ लिखना है पहले हमें वो शेप ड्रॉ करनी होती है. तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एक सर्कल ड्रॉ कर ले रहा हूं और इस सर्कल के ऊपर अगर मैं टेक्स्ट को क्लिक करता हूं, राइट. क्या कर रहा हूं ध्यान से देखिएगा, टेक्स्ट को क्लिक किया और इस सर्कल के आसपास लेके जाता हूं, तो दो तरह के माउस के शेप बनते हैं. एक में तो ये स्क्वायर जैसा एरिया बनता है और थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे तो एक एज बनता है. तो मैं एज पे क्लिक कर रहा हूं और जो कुछ मैंने लिखा था यहाँ पे वो मैं लिख दे रहा हूं. कैन यू सी द टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल? राइट. और जैसे ही मैं टेक्स्ट को क्लिक करता हूं, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, यहां पर एक डॉट आता है और इस डॉट से मैं इस टेक्स्ट को अलाइन कर लेता हूं जिस शेप में मुझे चाहिए. ठीक है. और इस काम को करने के लिए मेरी सहायता के लिए गाइड्स होते हैं. गाइड्स क्या हैं? ये जो रूलर दिख रहा है आपको
इस तरफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यहां से खींच के मैं एक लाइन ले आता हूँ ताकि ये अलाइनमेंट इसका ठीक दिखाई दे मुझे। तो मैं इस गाइड की सहायता से इसको बीच में एडजस्ट कर सकता हूँ। आई हैव रिटन उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। अभी सर्कल तो मुझे चाहिए नहीं, तो मैं क्या करता हूँ इस सर्कल की एज को गायब कर देता हूँ। यहाँ पर एक पेन बन के आता है, इस पेन पे क्लिक करेंगे और इसकी विड्थ को नन कर देंगे। ठीक है, नाउ दिस इज उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। और ये टेक्स्ट एडिटेबल है, कॉमा हल्द्वानी। ठीक है, तो कई बार आपको जरूरत पड़ती है कि आपको इस तरह से कुछ सर्टिफिकेट बनाना है जिसके ऊपर ये रखना है, तो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सर्कल को, सर्कल अपनी जगह पे है बस वो इनविजिबल है, तो उस सर्कल को बढ़ाएंगे तो वो आपको इस तरह से दिखाई देगा। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, जो मैंने ये काम किया है? सर एक बार रूलर को एक बार नीचे लाएंगे प्लीज। हाँ, इसको एडजस्ट करने के लिए इसको आप लेके आएंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि ये अलाइंड है या नहीं है। लगभग अलाइंड है, इतना तो पता नहीं चलेगा, तो वो परफेक्ट है। बस रूलर के ऊपर अपना कर्सर रख के उसको खींच देना नीचे। ना ना, हाँ रूलर के ऊपर कर्सर रख के, ये गाइड है एक्चुअली। गाइड का मतलब कि दो चीजों को आपको मिलाना है, तो आपने इसको रख लिया और जरूरत नहीं पड़ी इसकी, तो इसको सेलेक्ट किया और डिलीट कर लिया। ओके, बस डिलीट बटन दबा के डिलीट कर लिया। ये हॉरिजॉन्टल भी आता है, वर्टिकल भी आता है। Okay. तो इस तरह से रखना है कि पता करना है कि ये पेज के सेंटर पे है या नहीं है, तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। और अब डिलीट का बटन दबाएंगे तो तीन उड़ जाएंगे? नहीं, ये जो सिलेक्टेड होगा, अभी एक रेड दिख रहा है, बाकी ब्लू दिख रहे हैं ना आपको? अच्छा, जो रेड वाला है वो सिलेक्टेड है। तो यहाँ से आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर सकते हैं, ये ड्रॉइंग के टूल्स हैं, आप खुद से देख सकते हैं, तो मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ अभी। तो कई तरह की लाइंस हैं और रेक्टेंगल है, सर्कल है, ये पॉलीगन है, पॉलीगन के अंदर भी बहुत सारे तरीके के, कॉम्प्लेक्स स्टार आता है जैसे ये बना हुआ है ना आपका, ये कॉम्प्लेक्स स्टार से ये काम हो जाता है। नहीं सॉरी, कौन सा स्टार है ये, स्टार से, ठीक है ना। तो जैसे ये उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का लोगो है, अब आपको लगेगा कि ये बनाना तो बड़ा मुश्किल होगा ऐसे ऐसे डॉट, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं जितना दिखाई दे रहा है। जस्ट ड्रॉ अ स्टार। अब ये स्टार में कितने कोने दिख रहे हैं यहाँ पे आपको? पांच हैं। आप इसके कोने बढ़ा दीजिए और उस एक्सटेंट तक बढ़ाते चले जाइए जहां तक ये आपको उतने सर्कल दिखाई दे जाए। और उसके बाद इसको एडजस्ट करने के लिए भी यहाँ पर कोई एक पॉइंट आएगा जिससे आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे। एक मिनट, पहले कंप्लीट चेक कर लेता हूं, देख मेरा है। उस तरह का शेप बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। टाइम टेकिंग जरूर होगा लेकिन मुश्किल नहीं होगा। अब एक शेप आपने ड्रॉ कर लिया, अब इसके ऊपर आप फिर सर्कल बना के, फिर उसके अंदर टेक्स्ट लिख के, फिर दूसरा सर्कल, फिर उसके अंदर इमेज, ये काम कर सकते हैं। और मुझे चाहिए ना एक चीज और, देखिएगा मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली यही कलर चाहिए, तो यहाँ पर एक ड्रॉपर होता है, इसको क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक कर दें तो वही कलर आपको मिल जाएगा। इसकी एच मुझे व्हाइट चाहिए, तो ये ब्लैक को मैं यहां से एच इसके कलर को व्हाइट कर सकता हूँ। ठीक है, और इस पर मुझे एज नहीं चाहिए तो मैं इसकी एज को रिमूव कर
कर सकता हूँ। तो आपको थोड़ा सा उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी जैसा लोगो कैसे हम ड्रॉ करेंगे उसका अंदाजा लगा, और थोड़े से और घने हैं इसके जो, तो इसके जो स्टार हैं उसको मैं बढ़ा सकता हूँ। बीच वाले सर्किल को थोड़ा सा और बड़ा कर सकता हूँ ताकि ये उस तरह का दिखाई दे जाए। जो कुछ मैंने काम किया आपको समझ में आया? राइट सर। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या करेंगे आप, एक और सर्कल इसी की कॉपी बना लेंगे कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, और यहीं पर कंट्रोल के साथ मैं इसको छोटा कर रहा हूं, सॉरी शिफ्ट के साथ, तो ये अपनी जगह पे छोटा होगा। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूं और इसके अंदर फिर इसकी एक कॉपी बनाता हूं। राइट, अब मैं क्या करता हूं कि जो बीच वाला जो सर्कल है इसकी एज पे मैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी लिख सकता हूं, जो मैंने यहां पे लिखा था, मैं यहीं से कॉपी कर ले रहा हूं और कहां पे मुझे लिखना है, इस वाले के एज पे। ये क्या हो गया, एज पे जाते हैं, साइज बहुत ज्यादा हो जा रहा है उसके हिसाब से, तो बिल्कुल छोटा मैं रखता हूँ, बाद में क्या बढ़ा लेंगे, और 6 की जगह पे भी मैं इसको 4 कर देता हूँ। बाकी टेक्स्ट को आप आगे और बढ़ा सकते हैं, और टेक्स्ट के कलर को मैं वाइट कर दे रहा हूं ताकि वो साफ दिखाई दे, और बीच वाला जो एज है इसको मैं गायब कर दे रहा हूं आउटलाइन को नन करके। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बीच में लिख सकते हैं, इसका साइज बढ़ा सकते हैं, एडजस्ट करेंगे तो एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप इस तरह से ये काम कर सकते हैं। ठीक है, हेलो हेलो, सर ये उत्तराखंड वाले लोगों में जो अंदर वाला जो ग्रूव है उल्टी डायरेक्शन में, वो कैसे बना? उल्टे डायरेक्शन में ये नहीं, जो ओरिजिनल वाले पे देखिए अंदर की तरफ वाला जो ये वाला अरे ये कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट सेलेक्ट दिस। ठीक है, और इसको बिल्कुल छोटा करके अंदर ले आओ इसके। सॉरी, पहले इसकी कॉपी बना लेते हैं। और इसको मैं कुछ और कलर दे देता हूँ ताकि वो दिखाई दे। राइट, ये बन गया। अब आपको लग रहा है कि इसके अंदर फोटो कैसे आई? राइट, तो आप कहीं से कोई इमेज लेके आइए, वही फ्लावर ले लेते हैं। फ्लावर तो आप पे, हाँ फ्लावर ले लेते हैं। राइट, और इस फ्लावर को बहुत बड़े साइज का है, थोड़ा छोटा करके, एक बहुत अच्छा जादुई चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत मजा आएगा आपको, कहीं बहुत सारी जगहों पे यूज करना होगा। जस्ट राइट क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट, और सबसे पहला ऑप्शन पावर क्लिप इनसाइड, एक मिनट मैम, एक मिनट, पावर क्लिप इनसाइड, और इसके ऊपर क्लिक कर दें। नाउ दिस फोटो इज कंटेन्ड इनसाइड दैट बॉक्स, इसी को मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो ये जो फ्लावर है ना, ये इस बॉक्स के अंदर है, सॉरी इस शेप के अंदर है। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और एडिट पावर क्लिक करता हूँ। राइट, और मैं इस फ्लावर का साइज और बड़ा कर देता हूँ।
तो आपको लग रहा है कि इससे बाहर जाएगा, लेकिन इससे बाहर जाएगा नहीं, बिकॉज इट इज इनसाइड दैट बॉक्स. अमेजिंग. तो इस तरह का काम आप कभी भी कर सकते हैं. सपोज आपने कोई फोटो लेके आए हैं, मैं एक फोटो को और इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे. नेट से ही उठा लेता हूँ कुछ फोटो. सपोज ये एक इमेज है, कॉपी इमेज. अब तो जेपीजी है, मैं कॉपी इमेज से काम चला रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट किया मैंने. नाउ दिस इमेज इज ऑफ अ बिगर साइज, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके अपने पेज के ऊपर लेके आता हूँ. F4 प्रेस करूंगा तो मैं अपनी जगह पे आ जाऊंगा. अब मैं चाहता हूँ कि ये जो फ्लावर है मुझे कुछ पर्टिकुलर शेप में मिले, तो मैं वो शेप यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ. सपोज इट इज अ सर्कल और इसके अंदर कोई कलर दे डाल देता हूँ. इसका बॉर्डर मैं हटा देता हूँ. जस्ट क्लिक द फोटोग्राफ, पावर क्लिक इनसाइड एंड क्लिक. नाउ दिस फोटो इज इनसाइड दिस शेप. राइट क्लिक करके एडिट पावर क्लिप करूंगा तो मैं उसको कितना एरिया विजिबल रखना है उसको भी एडजस्ट कर पाऊंगा. राइट, नाउ दिस इज अ फ्लावर इनसाइड अ सर्कल. अब वो सर्कल ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, इट कैन बी ऑफ एनी शेप, जो आपकी मर्जी आए वो शेप आप बना सकते हैं. Am I clear? Right, sir. इसको रिमूव कर देते हैं. सॉरी, रिमूव नहीं करते, इसको एक्सट्रैक्ट करके फ्लावर की जरूरत हमें आगे भी पड़ सकती है, और इस शेप को रिमूव कर देते हैं. अब थोड़ा मैं एक चीज आपको ये बताऊंगा कि बहुत सारे अगर आपके स्क्रीन के ऊपर ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको हम अरेंज कैसे करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ शेप्स यहाँ पे ड्रॉ करके रख रहा हूं. देयर आर स्मॉल सर्कल्स और इनकी संख्या को बहुत सारे कर दे रहा हूं. ठीक है, आई हैव अ लॉट ऑफ सर्कल्स. सर, ये बढ़ाने के लिए आपने सिर्फ कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया है ना? नहीं, मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल वी नहीं किया है, वो तो कॉपी पेस्ट होता. मैंने कंट्रोल डी किया है, एक और ऑप्शन होता है, दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेट. ओके, जब हम बड़े ऑब्जेक्ट के साथ काम करते हैं तो आमतौर पर मेरी आदत है कि मैं कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ, उससे मेरा क्लिपबोर्ड भरता है. अगर कंप्यूटर की मेमोरी कम है तो थोड़ी देर बाद हैंग करने लगता है. कंट्रोल डी से वो क्लिपबोर्ड पे नहीं जाता, वो खाली वहीं पे उसका डुप्लीकेट बन जाता है. तो क्लिपबोर्ड तो बाद में खाली हो सकता है ना सर? नहीं, हो सकता है, लेकिन अब जैसे ना कोई बड़ा ऑब्जेक्ट उठाया मैंने, तो वो उसी को भर दिया. अब क्या करना है, एक होता है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट. ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, अब मैं चाहता हूँ कि एक लाइन में अलाइन हो जाए. तो जैसे मैंने आपको शॉर्टकट्स बताए थे, तो मैं उसके लिए आपको शॉर्टकट बता दे रहा हूँ. हालांकि उसका तरीका तो यह है कि यहाँ पर एक कहाँ से आता है, ऑब्जेक्ट से अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट. ठीक है, ऑब्जेक्ट मेन्यू के अंदर अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट एक ऑप्शन है, तो उसमें से एक लास्ट वाला ऑप्शन मैं खोल लेता हूँ, उस साइड में मेरे यहाँ पे बन के आ जाता है. राइट, तो अब इनको अगर मुझे अलाइन करना है एक सीधी लाइन में, देन जस्ट क्लिक दिस. नाउ दे आर अलाइंड, सेंट्रली अलाइंड हो गए, क्योंकि उनका साइज बराबर है. तो किसी भी अलाइनमेंट राइट लेफ्ट सेंटर करोगे तो एक जैसे दिखाई देंगे. और मैं चाहता हूं कि इनके बीच का गैप भी बराबर हो जाए. ठीक है, तो उसके लिए है डिस्ट्रीब्यूट, तो मैं इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी कर देता हूं. नाउ दे आर अलाइंड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड. बहुत आसान काम है ना? वाह, अगर मुझे ये खुद से मैनुअली करना होता तो बहुत मुसीबत हो जाती है, और शायद हो भी नहीं पाता इतना परफेक्ट. ठीक है,
मतलब जल्दी जल्दी से मैं जितने ऑप्शन बता पा रहा हूँ आपको मैं बताता हुआ चला जाता हूँ। सेकेंड ऑप्शन, कुछ अगर आपको ड्रॉ करना है, क्योंकि ड्रॉइंग के टूल्स तो लिमिटेड हैं, लेकिन कुछ अगर आपको ड्रॉ करना है, सपोज इस शेप की मदद से मुझे बादल बनाना है, बट आई कैन डू, आई कैन यूज मल्टीपल शेप्स इन दिस मैनर, और मैं ड्रैग करके सबको एक साथ सेलेक्ट करता हूँ और सबको ज्वाइन कर देता हूँ। नाउ आई हैड मेड अ शेप जो बादल की तरह का शेप हो सकता है, राइट। इसकी एज को मैं रिमूव कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस पेन, राइट। नाउ यू कैन सी अ शेप विच इज लाइकली अ क्लाउड। सर ये आपने बीच में क्या किया था आपने? अब बताता हूँ, पहले कर दिया फिर बताता हूँ, राइट। एक्चुअली क्या है कि हमने क्या किया, कुछ शेप्स को ड्रॉ कर लिया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस एंड दिस, सिर्फ दो ही लेते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। अब क्या होता है कि जब हम दोनों शेप्स को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे सेट थ्योरी काम आती है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इस पर माउस लेके जाएंगे, दिस इज कॉल्ड वेल्ड, ये जिसको हम कहते हैं ज्वाइन, दोनों आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। ज्वाइन का केस क्या है, दिस इज द केस ऑफ ज्वाइन, अंडरस्टूड, राइट सर। अंडू किया, मैं वापस अपने ही पोजीशन पे आया, और दूसरा जो चीज है दैट इज कॉल्ड ट्रिम, पहला वाला जो है दूसरे को काट देगा, दोनों को सेलेक्ट किया और ट्रिम किया। ट्रिम ने क्या काम किया, इस वाले ऑब्जेक्ट ने इस वाले ऑब्जेक्ट को कट कर दिया, एक नया ऑब्जेक्ट हम इस तरह से बना सकते हैं, समझ गए बात आप। व्हाट इज ट्रिम, ऊपर वाले ने नीचे वाले को ट्रिम किया है। सर अलग कैसे किया फिर से बता देंगे? दो हैं, दोनों को साथ में सेलेक्ट किया और ट्रिम को क्लिक किया, तो वो वेल्ड नहीं होंगे, ज्वाइन नहीं होंगे, रहेंगे तो अलग, लेकिन जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है वो नीचे वाले ऑब्जेक्ट को जितना हिस्सा ओवरलैप कर रहा था उतना हिस्से से ट्रिम कर देगा। नाउ आई कैन यूज दिस एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट, और इस तरह का शेप मुझे मिल जाता है। हमने व्हाइट कैसे किया सर? बस कलर भर दिया उसमें, अभी तो वो ट्रांसपेरेंट है, यहां से पकड़ा कलर भर दिया। कहाँ से कलर भरा सर? यह साइड में कलर पैलेट आता है। ओके 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 ओके, वो आपका माउस नहीं दिखा सॉरी। हाँ, तो ये ट्रिम है, आप इसको इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट की तरह से यूज कर सकते हैं, आप इसे की मल्टीपल कॉपी बना के कॉपी पेस्ट किया, और यहां से मैंने इसको कंट्रोल के साथ यहाँ पलट दिया, ठीक है, और इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, और इसको दूसरी तरफ पलट दिया, तो मैं एक जल्दी से एक शेप ड्रॉ कर पाया जो कुछ फ्लावर जैसा दिखाई दे रहा है। और सर अब बीच में अगर जो येलो वाला जो ब्लू वाला स्पॉट है, हाँ, तो अगर हम ये फ्लावर को, ये वाला जो ब्लू फ्लावर पर्पल फ्लावर जो बगल में है, हाँ हाँ, ब्लू वाले स्पॉट पे अगर डालना चाहे वो डाल देंगे? वो डाल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ब्लू वाला स्पॉट है ना, वो दरअसल कुछ है ही नहीं। अच्छा, दिस इज वन शेप, दिस इज वन शेप, दिस वन शेप एंड दिस इज वन शेप, उसके बीच में कुछ है नहीं, कुछ डालना है तो पहले वहां पे शेप डालना पड़ेगा मुझे, और उस शेप को मुझे थोड़ा सा वहां पे रखना पड़ेगा, क्योंकि वो परफेक्ट सर्कल नहीं है, तो इसलिए वो सर्कल वहां पे बैठ ही रहा है, और इसको मैं शिफ्ट के साथ पेज डाउन, कंट्रोल के साथ पेज अप करूंगा, तो अब मैं इस फ्लावर को विद द हेल्प ऑफ पावर क्लिप यहाँ पर फिल, अरे तो गड़बड़ हो गई, हुआ क्या ना, ये भी बीच में आ गया, अब ये काम कर लेगा नहीं, थोड़ी देर के लिए मैं बैकग्राउंड को रिमूव कर रहा हूं, ठीक है,
अब वो शेप खो गया है, अगर कोई चीज ऐसा खो जाए तो आप टैब यूज कर सकते हैं, कभी ना कभी वो टैब वहां पे पहुंचेगा जरूर। अब ये पहुंच गया तो मैं इसमें वो कलर डाल देता हूँ। तो ये फ्लावर को मैंने वहां पे डाल दिया है, एडजस्ट आप उसको अपने हिसाब से कर सकते हो। वो जो मेरा बैकग्राउंड था वो चला गया, मैं दोबारा उसको लाके इस तरह से रख सकता हूँ। तो ये तो कुछ ऐसे मीनिंगफुल नहीं है, मैं तो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि सारे ऑब्जेक्ट्स को आप ज्वाइन करके क्या बना सकते हैं। राइट सर। तो ये जो ड्राइंग के टूल्स हैं जो मैं यूज करता हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर आपका दिमाग सही से चल रहा है तो आप किसी एक शेप से दूसरा शेप निकाल सकते हो। सपोज आपको कुछ ऐसा शेप चाहिए, एक सर्कल बनाया है और इस सर्कल का मुझे आधा ही चाहिए, राइट। एक सर्कल बनाए, एक रेक्टेंगल बनाए, ठीक है, और इसको ट्रिम कर दें, रेक्टेंगल को उठा के फेंक दें, देन यू कैन टेक हाफ सर्कल या सेमी सर्कल, आप जो भी इसको कहें, कहीं पर आपको यूज करना है। विद द हेल्प ऑफ टू टूल्स आई हैव क्रिएटेड दिस सेमी सर्कल। तो कुछ कुछ टूल्स जो हम यहाँ पे देख पाए वो कर पाए हैं। जो चीज याद रखने वाली है वो ये है कि आप कैसे चीजों को ड्रॉ करते हैं, कैसे उन्हें अलाइन और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और कैसे हम दो शेप की मदद से तीसरा शेप क्रिएट कर सकते हैं। ये जो नया शेप जो बना है इसके अंदर अगर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, टेक्स्ट लिख सकते हैं। टेक्स्ट भी दो तरह से लिख सकते हैं। अगर सपोज ऐसा कई बार क्या होता है ना, अखबार में कॉलम आता है, कॉल आउट आता है, कॉल आउट जानते हैं आप? एक चीज और बताता हूँ, चलो मेरे को याद आ गई, कॉल आउट। कार्टून कैरेक्टर होता है ना जो बोलता है, तो कैसे बोलता है वो? ऐसे ऊपर को कुछ आता है और नीचे नुकीला हुआ कुछ दिखाई देता है, डायलॉग बॉक्स है। हाँ, ये सपोज मैंने एक कॉल आउट बनाया, इसको मैं व्हाइट कलर दे देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक पीछे आता है जो दूसरा वाला ऑप्शन है, इसको हम कहते हैं शेप टूल। शेप टूल पे जाता हूँ और इसको क्लिक करता हूँ, इसको मैं कहते हूँ कन्वर्ट टू कर्व्स, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ इसकी एज पे, तो यहाँ पर एक डॉट बन जाता है, और एक डॉट इसी के पड़ोस में और बनाता हूँ मैं, और एक डॉट इसी के पड़ोस में और बनाता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे तीन डॉट बना लिए हैं, जिसमें से मैं बीच वाले डॉट को खींच देता हूँ। सर ये वाला एक बार और बता दीजिए, है ना? बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इस जैसे ना कोई कॉल आउट होता है कि इसके अंदर ही लिखा हुआ हो, तो ये कार्टून ऐसा लगेगा कि ये कार्टून कैरेक्टर बोल रहा है। तो मैं टेक्स्ट पे जाता हूँ और इन यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, अलाइनमेंट भी सेंटर कर देता हूँ। नाउ यू कैन सी दिस लाइक दिस, और जो बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है ये बॉर्डर दिखेगा नहीं छपने में, अभी तो वो दिख रहा है, वो इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं कॉल आउट। मैं दोबारा बता देता हूँ कैसे मैंने ये किया। अच्छा एक और चीज सर, इसको हम मिडिल में वो नहीं कर सकते क्या, जैसे आपने सेंटर में इसको अलाइन किया, मिडिल में बॉक्स के पूरे सर्किल के मिडिल में? नहीं, वो तो टेक्स्ट है ना, आप एंटर मार दीजिए, जैसे वर्ड में होता वो तो वैसा ही है। नहीं, मैं बोलने का मतलब ये है सर, अभी जैसे क्या है कि हमने फॉन्ट को बड़ा किया, तो फॉन्ट को जैसे बड़ा किया तो वो अपने हिसाब से वो उसने जगह भर दी, राइट। मगर अगर लेट्स सपोज कि फॉन्ट अगर छोटा ही रहे तो बीच में आ जाए। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। आप क्या करो ना, फिर मैं तो ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि इसके अंदर कैसे लिखेंगे, राइट। आप उसके अंदर मत लिखो,
कंट्रोल एक्स, आप आर्टिस्टिक टेक्स्ट लिखो, ओके इसके ऊपर रख दो, समझ गए ना बात को, और वो मैं कहीं पे भी हिला के मतलब कहीं पे भी जैसा चाहे वैसा आप कर सकते हो, वो अलग लेयर है, वो अलग लेयर है, आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा फिर, ठीक है। एक मैम ने पूछा था कि आपने कैसे किया, मैं दोबारा थोड़ा सा इसको करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा जूम करके सर, एक्चुअली वो पॉइंट्स जो आपने खींचे थे वो थोड़ा जूम, हाँ मैं जूम करके दिखाता हूँ। करना क्या है एक्चुअली, कोई भी आप शेप बनाए तो उस शेप से आप दूसरा शेप कभी भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने तो एग्जांपल इसका लिया था, मैंने एक इस तरह का ओवल शेप बनाया, राइट। अब मैंने क्या करना है, पहला काम है कि इसमें कलर भर देता हूं मैं और उसकी एज को गायब कर देता हूं ताकि थोड़ा सा और अच्छा दिखाई दे। अब इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है इसको हम शेप टूल कहते हैं, जैसे कि शेप अगर आपको चेंज करना है, एंड क्लिक टू द शेप टूल एंड कन्वर्ट टू कर्व्स, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कुछ ट्रिगर पॉइंट्स बनाता हूँ और बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। एक ट्रिगर पॉइंट मैंने यहाँ पे बना लिया, दूसरा ट्रिगर पॉइंट इसके पड़ोस में यहाँ पे बना लिया, तीसरा ट्रिगर पॉइंट और बना लिया, ताकि ये तीन जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं यहाँ से मैं उसके शेप को चेंज कर सकूँ। वाओ, से हम पूरा ड्राइंग नहीं किया, हमने ड्राइंग तो एक सेकंड में हो गई, खाली ड्रैग किया था, लेकिन उसी के अंदर ट्रिगर पॉइंट बना के हम उसको चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ ट्रिगर पॉइंट पहले से भी बने हैं उसको भी हम बिगाड़ सकते हैं, ये हम अंदर की तरफ भी ले जा सकते हैं सर, बिल्कुल जहां को ले जाना चाहे वहां को लेके जा सकते हैं। और इसके साथ कुछ एरो आते हैं, इस एरो से आप उसके शेप को थोड़ा सा ठीक ठाक भी कर सकते हैं। अब ये काम है ड्राइंग का, हाथ सेट होने वाला, तो वो जैसा आपके पास रिक्वायरमेंट आती है उस हिसाब से आप ये काम को कर सकते हो, ठीक है सर। एक क्वेश्चन था, हाँ सर, कई बार क्या होता है कि जैसे हम लोग यू नो हमारे जैसे प्रोफेशन में हम लोग बुक का कवर बनवाते हैं, तो बुक का जब हाँ जब जब बुक का कवर होता है तो जो प्रिंटर कहता है कि मुझे कर्व्ड फाइल देना, ठीक है, वो कर्व्ड फाइल का मतलब क्या होता है सर? कर्व्ड फाइल भाई साहब सिर्फ यही है कि जितनी जगह पे टेक्स्ट लिखा हुआ है आप राइट क्लिक करें और कन्वर्ट टू कर्व्स कर दें, दैट इज द कर्व्ड फाइल, दैट्स इट। यही जो हमने अभी किया है, यही किया हमने, लिखा हेलो नाउ इट इज टेक्स्ट। अब होता क्या है कि ये टेक्स्ट जो है ना बिगड़ जाता है, मेरे पास फॉन्ट है आपके पास नहीं है, आपकी मशीन पर फॉन्ट नहीं है तो वो कुछ और हो जाएगा, तो जो एक्चुअल है वो खराब हो जाएगा, तो आप क्या करें इसको राइट क्लिक करें और कन्वर्ट टू curves कर दें। Now this is called curve file. Okay. अब इसका font नहीं बदलेगा क्योंकि ये text property खराब हो चुकी है। Now it has become a graphic. Okay. और जो आपका कोई सा भी टूल है graphic का उससे आप इसको चेंज कर सकते हैं, वो इसका कलर वगैरह सब चेंज कर सकता है, जैसे किसी एक पर्टिकुलर ग्राफिक का हम कर सकते हैं, लेकिन वो इसको एडिट नहीं कर सकता। आपने लिख के कुछ और दिया और वहां पर कुछ और हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ओके सर, सो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली वी कर्व फाइल। तो ये छोटे छोटे टूल्स हैं। अब आप अगर आपको थोड़ा सा लगेगा कि इस पे काम करना है तो आप कोरल ड्रॉ इंस्टॉल कीजिए, चाहे इवैल्यूएशन वर्जन ही कीजिए या कोई डुप्लीकेट वर्जन कीजिए, उस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना कुछ मैं बता पाया हूँ अभी कोरल ड्रॉ पे या फोटोशॉप पे, शायद ये 2-4% भी नहीं होगा जितने टूल्स अवेलेबल हैं या जो प्रोफेशनली काम करते हैं जिनको जो चीज़ें पता होती हैं, बस वो पता तभी चलती हैं जब आप उस तरह का काम करते हैं, वैसे आपके पास रिक्वायरमेंट आती है, फिर अपना हाथ पैर मारते हैं और फिर आप वैसा काम करने लगते हैं। मैंने कोई प्रोफेशनल डिग्री ऐसे ड्राइंग ड्राइंग और कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप की नहीं ली है, सिंपल ऐसे ही कॉलेज वालों ने काम करा करा के इतना सिखाया है जो मैं आपको शेयर कर पाया हूँ। तो कोई क्वेरी हो आपकी तो आप पूछ सकते हैं। एक आध चीज और करके मैं फोटोशॉप पे चला जाता हूँ, दिखा देता हूँ आपको, आपको अच्छा लगेगा। सर क्या इसका कहीं पे ऐसा होगा जैसे कि स्टेप बाय स्टेप कोई इसके बारे में? हाँ हाँ बिल्कुल। और मैं अगर थोड़ा बहुत पैसा अगर आप खर्च करना चाहोगे ना
तो आप बहुत सारे Udemy और वो सब हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपको सिखाते हैं और बहुत सस्ते सस्ते 500-600 हज़ार रुपए अगर आपको ट्यूटोरियल के खर्च कर पाए तो वो आपको सारा कुछ सिखा देते हैं। थोड़ा सा पैसा खर्च करने में अगर इंटरेस्ट है और उस तरह का आपका काम है तो कोई बुराई नहीं है। सर कौन सा प्लेटफॉर्म की बात की आपने? Udemy है, Udemy में कई बार यूज करता हूँ बहुत सारी चीजों के लिए। Udemy आप जा सकते हो।